हेलो, वेलकम बैक टू अपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेफिडेंशियल फॉर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का जो हमारा फ्रंट रहेगा वो 18 फीट 4 इंच का रहेगा, जो उसकी डेप्थ रहेगी वो रहेगी 62 फीट की इसकी डेप्थ रहेगी। अब गाइस, इसकी आपको मैं रिक्वायरमेंट बता दूँ, इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। ठीक है गाइस, हमारे एक इसके अंदर ड्राई रूम रहेगा और एक इसके अंदर हमारा बेडरूम रहेगा और एक इसके अंदर हमारी लॉबी रहेगी। लॉबी से अटैच हमारा एक बाथ रहेगा और एक हमारी WC रहेगी और एक हमारा किचन रहेगा और एक हमारा इसमें बेडरूम जो रहेगा। ठीक है गाइस, आपको मैं थोड़ी इसकी डिटेल बता दूँ, इसकी डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। मेन एंट्री गेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ से रहेगा और जो हमारा बेडरूम ड्राई रूम है, ड्राई रूम की लंबाई हमारी 11 फीट 5 इंच की रहेगी और चौड़ाई इसकी 11 फीट 3 इंच की रहेगी। और बेडरूम की लंबाई हमारी रहेगी वो 11 फीट 5 इंच की और चौड़ाई इसकी 10 फीट 9 इंच की रहेगी। और जो हमारी लॉबी की लंबाई रहेगी वो रहेगी 12 फीट 10 इंच की और चौड़ाई इसकी 11 फीट 5 इंच की रहेगी। और लॉबी से टच हमारा एक बाथ है, बाथ की लंबाई हमारी 3 फीट 7 इंच की और चौड़ाई इसकी 7 फीट 6 इंच की रहेगी, 7 फीट 7 इंच की रहेगी। WC की लंबाई हमारी रहेगी वो 3 फीट 7 इंच की और चौड़ाई इसकी 3 फीट 6 इंच की रहेगी। और जो हमारा ये ओपन एरिया है, ओपन एरिया की लंबाई हमारी जो रहेगी वो रहेगी 4 फीट की और चौड़ाई इसकी 6 फीट की रहेगी। किचन की लंबाई हमारी जो रहेगी वो रहेगी 7 फीट 6 इंच की और चौड़ाई इसकी 7 फीट 11 इंच की रहेगी। और जो हमारा ये बेडरूम है, बेडरूम की लंबाई हमारी 14 फीट 10 इंच की और चौड़ाई इसकी 11 फीट 8 इंच की रहेगी। अब गाइस, इसके मैं वेंटिलेशन और डोर के बारे में बताने जा रहा हूँ, हमारा वेंटिलेशन कहाँ कहाँ पर रहेंगे और डोर कहाँ कहाँ पर रहेगा। ड्राई रूम का जो डोर रहेगा वो डोर हमारा यहाँ पर रहेगा और इसका वेंटिलेशन हमारा इस यहाँ से ओपन से रहेगा। और जो हमारे सोफे रहेंगे वो हमारे सोफे यहाँ पर रहेंगे और जो टेबल रहेगी वो टेबल हमारी यहाँ पर रहेगी। और बेडरूम का जो डोर रहेगा वो डोर हमारा यहाँ पर रहेगा और इसका वेंटिलेशन इस यहाँ से रहेगा। और जो हमारा वो बेड रहेगा वो हमारा बेड यहाँ पर रहेगा और आपका जो रहेगा वो हमारा यहाँ से रहेगा। और लॉबी से जो टच हमारा बात है, इसका डोर हमारा यहाँ पर रहेगा और WC का जो डोर रहेगा वो डोर हमारा यहाँ पर रहेगा। और जो हमारा किचन है, ये किचन हमारा ओपन ही रहेगा। ठीक है, और जो इसमें L-type की स्लेट है हमारी, ये L-type की हमारी इसमें स्लेट रहेगी। और जो बेडरूम है, बेडरूम का डोर हमारा यहाँ पर रहेगा और इसका वेंटिलेशन हमारा यहाँ से रहेगा। और जो बेड रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा और जो अलमीरा रहेगी वो हमारी यहाँ पर रहेगी। ठीक है गाइस, अगर गाइस आपके आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइस आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है तो गाइस आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी गाइस, आप हमारे से कांटेक्ट से वो कर सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी गाइस हम उसे बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइस अपेक्स आर्किटेक्ट्स।